कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप से पूरे विश्व में मानव जाति पीड़ित है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में उसके प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रोग में बचाव ही सबसे अच्छी चिकित्सा है। सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की कोई दवा अभी तक नहीं बनी है, अतः इस रोग से बचने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय करना ही बेहतर है। आयु एवं स्वास्थ्य से जुड़ा विज्ञान होने के साथ ही आयुर्वेद प्रकृति के साधनों के प्रयोग पर जोर देता है। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए। और इस प्रयास की पूर्ति के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है, जो मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करने वाला हूँ, जिसके उपयोग से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और कोरोना के संक्रमण से दूरी बनाए रख सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, सामान्य उपाय। हमें पूरे दिन गुनगुना पानी ही पीना है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और कम से कम 30 मिनट तक इनको करना ही करना है। अपने घर में बनने वाले प्रत्येक भोजन में हल्दी, जीरा, लहसुन, धनिया का उपयोग करना जरूरी है। अब समझते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कौन से उपाय आयुष मिनिस्ट्री ने हमें प्रोवाइड कराए। नंबर फर्स्ट, रोज सुबह 10 ग्राम या 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन जरूर करें। जो व्यक्ति डायबिटीज के रोगी हैं, वह शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। नंबर दो, हर्बल टी या तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सुंठी, मुनक्का का काढ़ा बनाकर दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। इसमें गुड़ या नींबू का रस स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। नंबर थर्ड, गोल्डन मिल्क बनाने के लिए आधा चम्मच हल्दी चूर्ण को 150 ml गर्म दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार लें। नंबर फर्स्ट, नस्य कर्म। सुबह शाम तिल या नारियल का तेल या घी नाक में दोनों छिद्रों में लगाएं। नंबर दो, केवल 1 चम्मच तिल या नारियल के तेल को मुंह में लेकर 2 से 3 मिनट कुल्ले की तरह मुंह में ही घुमाएं। उसके बाद उसे कुल्ले की तरह ही थूक दें, फिर गर्म पानी से कुल्ला कर लें। ऐसा दिन में 1 से 2 बार करें। खांसी या गले में खराश होने पर दिन में कम से कम 1 बार पुदीना के पत्ते या अजवाइन डालकर पानी की भाप लें। खांसी या गले में खराश होने पर लौंग चूर्ण में गुड़ या शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। अगर ये लक्षण बने रहें तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। आयुर्वेद शास्त्र का उद्देश्य ही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाएं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे विकसित करें, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये एडवाइजरी आयुष मिनिस्ट्री द्वारा आप सभी के लिए जन कल्याण में प्रस्तुत की गई है।